I'm super happy today. Hi guys, welcome back to my channel. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आज है फ्राइडे, इट्स आफ्टरनून टाइम और अनिरुद्ध अभी सो रहा है तो घर बहुत काम है, शांत है और मैं बस अपना मी टाइम इंजॉय कर रही थी तो सोचा कि क्यों ना व्लॉग अपना आज मैं बनाऊँ और अपना इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले एक छोटा सा समर क्लोथिंग हॉल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। काफ़ी लोगों को हॉल वीडियोस देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है हॉल वीडियोस देखना, तो आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोग होंगे जो हॉल वीडियोस को बहुत पसंद करते होंगे। तो मैंने सोचा कि जो थोड़ा सा सामान मैंने लिया है वो आप लोगों के साथ तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी। मैंने सारी शॉपिंग कल टीजे मैक्स से की है। सबसे पहले मैंने ये टॉप लिया, ये पोलो टी शर्ट है राल्फ लॉरेन की एंड इसका ये देखिए हैंड पे ये डिटेलिंग है। प्रिटी बेसिक टी शर्ट है, बोट नेक है, मुझे बहुत पसंद आई इसका कलर। ये मेरा दूसरा टॉप है, बिल्कुल बेसिक टी शर्ट है और इसकी स्लीव्स भी कुछ इसी तरीके से हैं, इतनी ही लेंथ की। थर्ड टॉप, इसकी नेक पे ये जो डिटेलिंग है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, रोप डिटेलिंग जो है, और इसकी स्लीव्स थोड़ी छोटी हैं और ये इस तरीके का टॉप है। ये अगेन पोलो राल्फ लॉरेन का ही है एंड ट्रस्ट मी आई डिडंट पे मोर देन 20 बक्स फॉर एनी ऑफ द टॉप, तो काफ़ी अच्छी डील मुझे कल मिली। लास्ट टॉप, और मुझे समर्स में एक्जिमा हो जाता है जैसे ही मैं सन में स्टेप आउट करती हूँ, तो आई प्रेफर वेयरिंग समथिंग कवर्ड फुल स्लीव्स व्हेन आई गो आउट, तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट रहेगा बाहर जाने के लिए। तो देखिए इसकी शोल्डर पे ये डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी दोनों साइड पे है ये, और ये है माइकल कोर्स से। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपने कुछ परफ्यूम्स जो कि मुझे सेंट बर्ड ने सेंड किए हैं और इनकी पैकेजिंग देख के आई एम श्योर यू विल बी फ्लैटर्ड। तो सबसे पहले मैं अपना पहला परफ्यूम खोलती हूँ। देखिए ये इस तरीके के केस में आता है एंड यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट लाइक दिस एंड हियर इज योर परफ्यूम बॉटल। तो ये है माइकल कोर्स से सेक्सी एम्बर और आप भी इस टाइप के परफ्यूम्स मंगा सकते हैं अपने लिए बाय सब्सक्राइबिंग टू देयर वेबसाइट, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं एंड उनके वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर जस्ट $14.95 और आप अपने लिए भी इस तरीके की क्यूट बॉटल्स जो हैं परफ्यूम्स की मंगा सकते हैं। और इसमें आई है 8 ml क्वांटिटी, तो बहुत परफेक्ट है ये अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा, तो आप इसे अपने कैरी ऑन लगेज में भी लेके जा सकते हो। सो मैंने एक मंगाया है माइकल कोर्स से सेक्सी एम्बर और दूसरा है क्लिनिक से। सी कितनी क्यूट पैकेजिंग है, क्लिनिक से हैप्पी हार्ट, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है विच इज़ जस्ट सो परफेक्ट फॉर द समर्स, क्योंकि समर्स में जब हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मुझे पसंद है। और जो ये माइकल कोर्स वाला है, दिस इज़ सेक्सी एम्बर एंड इट इज़ वेरी वेरी फ्रूटी, जस्ट परफेक्ट फॉर द स्प्रिंग। एंड द गुड पार्ट इज दे ऑल्सो सेल मेकअप प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने मुझे एक ये लिपस्टिक भेजी है, टार्ट की है, टार्टिस्ट लिप पेंट, इसका कलर बहुत अमेजिंग है। ये इसका स्वॉच अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सा टॉप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आप लोगों की समर शॉपिंग में आप लोगों ने क्या क्या खरीदा वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फ्राइडे डिनर के लिए कुछ तो स्पेशल होना ही चाहिए, इसीलिए आज मैं भिंडी दो प्याज़ा बनाऊंगी, आज मैं कविता किचन की रेसिपी फॉलो करके ये सब्जी बनाऊंगी और अंशुल की ये फेवरेट सब्जी है तो उनके लिए कुछ स्पेशल हो जाएगा एंड आई विश फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छी बने, देखते हैं कैसी बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज अनियन को लंबा स्लिट किया है और ये भिंडी है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है और इस तरीके से मैंने इसे बीच में से स्लिट कर लिया है और ये सारे मसाले भी मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे है सॉल्ट, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। और अब मैं सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिससे कि एक फाइन पाउडर बन जाए, ऐसा ना हो कि एक भिंडी में नमक का स्वाद आ रहा है और एक भिंडी में मिर्ची का, इसीलिए हम इस पूरे पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए ये पाउडर एक जैसा हो गया है अब, और अब मैं इसे धीरे धीरे अपनी भिंडी में फिल करना स्टार्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं फिल करना अदरवाइज़ भिंडी बहुत स्पाइसी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें हाथ से ही फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पून से भी फिल कर सकते हैं बट मुझे अपने खाने को हाथ से फील करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये सब काम हाथ से ही करना प्रेफर करती हूँ। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप इसे इस तरीके से फिल कर सकते हैं जिससे कि आपकी भिंडी टूटे भी ना।
और यहाँ पे मेरी सारी भिंडी फिल हो चुकी है और अब हम सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में लिया है मस्टर्ड ऑयल। मैं सारी सूखी सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बनाना प्रेफर करती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है क्यूमिन सीड्स और जिंजर गार्लिक पेस्ट। आज मेरे पास गार्लिक पॉड्स नहीं थे, अदरवाइज गार्लिक को आप बहुत फाइन चॉप करके इसमें ऐड करें तो उससे मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा टेस्ट इन्हांस होगा। तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया है और अब इसमें मैं अपनी अनियन भी ऐड कर दूँगी और अब मैं इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करूँगी जिससे कि सारा जो मसाला है वो अनियन पे कोट हो जाए और फिर अनियन अच्छे से इवनली कुक हो। तो ये प्रोसेस करने के लिए मैंने फ्लेम को मीडियम पे ही रखा है और देखिए अनियन मिक्स हो गई है। अब इसे मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी और देखिए अनियंस जो हैं वो मिड वे कुक हो चुकी हैं और अब मैं इसे एक बार चला दूँगी जिससे कि ये जले ना। और कुछ इस तरीके से मैं पैन में स्पेस क्रिएट करूँगी बीच में, इसी तरीके से कविता मैम ने भी दिखाई थी अपनी वीडियो में सब्जी, तो इसी तरीके से मैं इस सब्जी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पेस जहाँ मैंने बनाई है वहाँ पे मैंने अपनी सारी भिंडी भी रख दी है और अगेन मैं इसे कवर करके कुक करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। और ये जो मसाला प्लेट में रह गया था उसको भी मैं सब्जी में ही डाल दूंगी। और इतने में अंशुल भी ऑफिस से आ गए और अनिरुद्ध भी उठ गया तो वापस से घर चहल पहल से भर गया है। और ये शाम का टाइम मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, जब हम एज अ फैमिली एक साथ होते हैं, पूरा दिन डिस्कस करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और बस मैं अभी वापस से किचन में आई हूँ और सब्जी देखिए थोड़ी सी कुक हो चुकी है, फिर से मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज प्याज जल जाएगी आपकी, इसीलिए बस मैंने मिक्स कर दिया है और फिर से मैं कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। और देखिए सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। तो लास्ट में इसमें मैं मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ, ये सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस कर देगा। अगर आप US में रहते हैं और अगर आपके इंडियन स्टोर पे मैगी मसाला नहीं मिलता तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, जो ऑनलाइन इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उन पे आप सर्च करें, आपको डेफिनेटली मैगी मसाला वहाँ पर मिल जाएगा। और ये मेरी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है और अभी इसे मैं कंटेनर में निकाल लूँगी और साथ ही साथ बाकी का डिनर भी जो है वो मेरा प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं आपको कह सकती हूँ कि ये सब्जी बहुत यमी बनी थी, आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पे मैंने बनाई है तुअर दाल जो चावल के साथ हमें बहुत पसंद है और ये बूंदी का रायता, और अभी चावल और रोटी मैं बनाऊंगी। साथ ही साथ मैं अपनी किचन को भी क्लीन करती रहती हूँ जिससे कि बाद के लिए बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम इकट्ठा ना हो। तो साथ ही साथ अगर आप करेंगे तो आपका काम भी कम आपको लगेगा और साथ ही साथ आपकी जो किचन है वो भी आपको नीट एंड क्लीन मिलती जाएगी। और अभी मैं पानी रख रही हूँ बॉईल करने के लिए, चावल बनाऊंगी मैं। बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे खड़े होके। और अनिरुद्ध भी काफी एंजॉय कर रहा है, वो उसे एरोप्लेन दिख रहे हैं तो वो बहुत एंजॉय कर रहा है एरोप्लेन को देख के। और अभी हम लोग जाने वाले हैं ड्राइविंग सीखने। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आजकल ड्राइविंग सीख रही हूँ, अंशुल मुझे सिखा रहे हैं। तो 4-5 दिन हुए हैं सीखते हुए, बट डेफिनेटली इन अ मंथ और सो मैं थोड़ा सा परफेक्ट हो जाऊंगी, तब आपको अपनी ड्राइविंग दिखाऊंगी। अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नोवाइस हूँ और अंशुल मेरा बहुत फन बनाते हैं जब मैं ड्राइव करती हूँ। वो कहते हैं मैं अनगाइडेड मिसाइल हूँ, तो वो मेरे लिए शूट नहीं करेंगे अभी। ऑब्वियसली ही हैज़ टू इंस्ट्रक्ट मी वाइल सिटिंग इन द कार, तो अभी इट इज़ नॉट सेफ कि मैं शूट करूँ, बट डेफिनेटली जब मैं थोड़ी सी लर्नड हो जाऊँगी, मैं सीख लूँगी, तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको मिलती हूँ। ड्राइविंग लेसन अब खत्म हो चुका है और फ्राइज आए हैं, हम थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। और ये अनिरुद्ध के फेवरेट माइकल अंकल हैं जो उसे बहुत स्पॉइल करते हैं, हमेशा उसे बलून देते हैं जब भी हम इस फ्राइज पे आते हैं। वी नो हिम फॉर लास्ट 3 ईयर्स और बस जनरली हम जब भी आते थे तो हाय हेलो करते थे एंड आज हमारे वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। सो आई वुड सजेस्ट जब भी आप किसी से भी मिलो, उनको देखो, तो एक हल्की सी स्माइल ज़रूर पास करो। यू नेवर नो कि कौन इंसान आपका कब बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। तो बस देखिए थोड़ी सी ही सामान मुझे लेना था, वो सब ले लिया है और रास्ते में ही मंदिर था तो सोचा दर्शन कर लें, बट मंदिर बंद हो चुका था तो बाहर से ही दर्शन आज हमने किए। और अब हम घर लौटेंगे और यहाँ से मैं गाड़ी चला के जाने वाली हूँ। आई एम सुपर हैप्पी टूडे बिकॉज आज मैंने पहली बार अकेले मंदिर से घर तक ड्राइव किया विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, एंड टू गिव मी दैट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। अंशुल पीछे बैठे थे अनिरुद्ध के साथ,
तो आज मेरा ड्राइविंग से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बूस्ट हो गया और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पार्किंग में भी गाड़ी खुद से लगाई। आज तक मुझसे खुद से नहीं लगी थी, अंशुल लगाते थे पार्किंग में मेरे से गाड़ी लेकर, लेकिन आज मैंने तीन बार ही में लगाई कार ठीक से सीधी, तीन बार में कर पाई, बट फाइनली आई डिड इट। सो आज मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे है एंड इट्स जस्ट 6 days जब से मैंने ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किया है, और अगर मैं एक रोड पे मेजर रोड से निकाल के कार लेकर आ पा रही हूँ तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड आई एम रियली हैप्पी। मैंने तो सीखी बट एक सही इंस्ट्रक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है जनरली जो लड़के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग, बट अंशुल इज़ वेरी पैशनेट टीचर। वो चाहे अपना कोर्स वर्क पढ़ाएं चाहे मेरे को ड्राइविंग सिखाएं, बिल्कुल भी चिल्लाते नहीं है। मैं कितनी गलतियां करी इनिशियल डेज में तो मुझे बहुत डर लगता था, सो कभी भी वो मुझ पर चिल्लाए नहीं, बहुत कामली उन्होंने मुझे सिखाया और सिखा भी रहे। सो आई थिंक 50% क्रेडिट गोज टू हिम एज वेल। और जब मैं ड्राइविंग अच्छे से सीख जाऊंगी तब आपको भी एक बार ज़रूर मैं अपना ड्राइविंग दिखाऊंगी कि मैं कैसे ड्राइव कर रही हूँ, और वो भी दिन बहुत ही जल्दी आएगा, मे बी इन मंथ और सो मैं थोड़ा सा और परफेक्ट हो जाऊंगी। तो यही था आज की इवनिंग, ऐसे ही मेरी गई है और अभी 9 o'clock हुआ है और जैसा कि आपने देखा ये यॉन कर रहे हैं ऑलरेडी। इसका सोने का टाइम होता है 9:30 मैक्स टू मैक्स 10 o'clock, तो बस अभी मैं इसे दूध पिलाऊंगी, उसके बाद फिर आई गेट हिम रेडी फॉर द बेड और ये सो जाएगा। तो आज हम लोगों का प्लान है कोई मूवी देखेंगे, यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों ने नहीं देखी अभी तक, आई थिंक वो पुरानी हो गई है बट हम लोगों ने नहीं देखी है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आज वो बैठ के देखेंगे। तो यही है और इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी फ्राइडे इवनिंग जो है रिलैक्सिंग बनाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, इफ सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको सारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि उनको नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर प्रेस करें। और फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, चिल्ड्रन यू टेक केयर, बाय से बाय।